तो दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें टेक्निकल लाइफ चैनल को, उसके बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आप हमारे ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में जो कि आपको बहुत ही जल्द इंडिया में देखने को मिलने वाली है, और मैं इसके जो स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट और जो प्राइस मैं आपको बताऊंगा उसे सुन के इस बाइक को लेने का मन आपका जरूर करेगा कि मैं खुद हो सकता है इस बाइक को लूँ जब ये लॉन्च हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है, पर इसे आप एक इलेक्ट्रिक बाइक की तरह मत देखिए। काफी पावरफुल होने वाली, काफी गुड लुकिंग होने वाली है और काफी कमाल के स्पेसिफिकेशन और प्राइस के साथ आने वाली है। अब मैं बताता हूं इसका जो आपको नाम है वो मैं आपको बता देता हूं। ये एक कंपनी है रिवॉल्ट करके जो कि आपको इंडिया में एक इलेक्ट्रिक बाइक लाके देने वाली है। दो मॉडल आने वाले हैं, RV300, RV400, जिनके बारे में आगे हम लोग वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी शुरू करता हूं मैं वाहन से, यह टिंकर लाइफ चली शुरू करें। तो सबसे पहले हमारे सामने जो लुक्स निकल के आते हैं इस बाइक के, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको बता दूं ये जो कंपनी है वो है रिवॉल्ट, और ये अपने दो मॉडल इंडिया में लॉन्च करने वाली है। ये पहला मॉडल है वो है RV300 और दूसरा मॉडल है वो है RV400। हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में, अब इन्हीं दोनों उस मॉडल्स की स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको RV400 में जो कलर्स आपको देखने को मिलेंगे वो है रेबल रेड और कॉस्मिक ब्लैक, और उसके बाद RV300 में आपको जो कलर देखने को मिलेंगे वो है नियॉन ब्लैक और स्मोकी ग्रे। आपको ये दोनों मॉडल्स में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। दोनों ही मॉडल में आपको अपसाइड डाउन फोर्क देखने को मिलेंगे, और रियर सस्पेंशन की बात करें तो दोनों ही मॉडल में आपको एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेंगे। और जैसा कि आपको पता है ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है, तो उसमें आपको बैटरी टाइप इसका लिथियम मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं वोल्टेज और वोल्टेज के बारे में, तो इसमें आपको RV400 में जो आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा वो है 72V, और उसमें आपको जो वोल्टेज देखने को मिलेगा वो है 3.24 kWh। वहीं पे RV300 में जो आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा वो है 60V, और जो वहीं पे आपको वेटेज देखने को मिलेगा वो है 2.7 kWh। जैसा कि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रिक बाइक है तो उसमें आपको चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी, तो उसका हम लोग चार्जिंग टाइम मैं आपको बता देता हूँ। तो RV400 में जो 0 से लेकर 75% तक की जो चार्जिंग होगी वो आपको 3 घंटे में हो जाएगी, और 0 से 100 तक की चार्जिंग में RV400 लेगी 4.5 आवर्स। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं RV300 की चार्जिंग के बारे में, तो 0 से 75 इसमें आपको 3 घंटे में हो जाएगा, और 0 से 100% जाने में इसको लगेंगे 4.2 आवर्स। अब बात कर लेते हैं इनके मोटर के बारे में, तो RV400 में जो आपको मोटर देखने को मिलेगा वो है 3 kW का मिड ड्राइव, और वहीं पे RV300 में जो आपको मोटर देखने को मिलता है वो है 1.5 kW का हब मोटर। बात कर लेते हैं वेट की, तो RV400 का जो वेट हमारे सामने निकल के आता है वो है 108 kg, और वहीं पे RV300 का जो वेट निकल के आता है वो है 101 kg अप्रॉक्सीमेटली। बात कर लेते हैं व्हील बेस के बारे में, तो इसमें आपको RV400 में जो व्हील बेस मिलेगा वो है 1350 mm का, और वहीं पे RV300 में जो आपको व्हील बेस देखने को मिलेगा वो है 1320 mm का। अब बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स की कैरिंग कैपेसिटी के बारे में, तो RV400 में आपको जो कैरिंग कैपेसिटी मिलेगी वो है 2% की करीबन इसमें आपको 150 kg आप इस पे मैक्सिमम वेट रख सकते हैं, और RV300 में भी आपको 2% की सीटिंग कैपेसिटी मिलेगी, इसमें भी आप मैक्सिमम 150 kg का वेट रख सकते हैं। बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो इसमें आपको जो RV400 में 215 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, और वहीं पे RV300 में 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। अब बात कर लेते हैं LED लाइट्स के बारे में, यहाँ पे आपको इस बाइक में किस किस तरीके की लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, तो RV400 में आपको हेडलैम्प मिल जाएगी विद प्रोजेक्टर, हाई बीम और टेल लैम्प और इंडिकेटर, और वहीं पे RV300 में भी आपको हेडलैम्प मिलेगी विद प्रोजेक्टर, हाई बीम और टेल लैम्प एंड इंडिकेटर। मतलब दोनों में जो लाइटिंग के जो फंक्शंस हैं और दोनों में जो लाइटिंग फैसिलिटी है वो दोनों में सेम है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ, जो दोनों बाइक हैं वो करीबन फुल चार्ज पे 80 किलोमीटर तक दौड़ सकती हैं, और इनमें आपको कई सारे मोड्स भी इन बाइक्स में आपको देखने को मिलेंगे, दोनों ही बाइक में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहला जो मोड है वो है इको, उसके बाद आता है नॉर्मल, उसके बाद आता है स्पोर्ट्स।
और बताया ये जा रहा है कि इसमें जो आपको टॉप स्पीड देखने को मिलती है तो RV300 में जो आपको टॉप स्पीड देखने को मिलती है वो है 65 किलोमीटर प्रति घंटा और वहीं पे RV400 में आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड देखने को मिलती है। और ये जो कंपनी इन बाइक्स को ला रही है वो एक और फैसिलिटी इन बाइक्स जो लोग लेंगे उसको प्रोवाइड करती है कि जो आपको 2020 तक में आपको स्विच स्टेशन भी आपको यहाँ पे इंडिया में देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे जो कस्टमर है अगर आप बाइक लेके जाते हैं आपकी बाइक की जो बैटरी है अगर वो लो हो जाती है रास्ते में कहीं आपको रिवॉल्ट का स्विच स्टेशन मिलता है तो वहाँ पे आप अपनी डिस्चार्ज बैटरी देके चार्ज बैटरी ले सकते हैं। मतलब रास्ते में अगर आपके पास जैसे पेट्रोल भराने का होता है कार्स में बाइक्स में उसी तरह का इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए भी आपको स्टेशन देखने को मिलेंगे जिनको कहा जा रहा है स्विच स्टेशन और ये आपको 2020 तक देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। लॉन्च डेट के बारे में मुझे अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, पर बताया ये जा रहा है जब ये बाइक्स सेल के लिए अवेलेबल होंगी तो आपको पुणे और दिल्ली में मिल जाएंगी। उसके बाद जो बाकी सिटीज़ हैं जैसे मैं आपको बता दूँ NCR हो गया, हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, अहमदाबाद हो गया, नागपुर हो गया, चेन्नई हो गया, ये जो बाइक्स हैं उसके बाद इन सिटीज़ में आपको कुछ थोड़ी जो जब ये दिल्ली और पुणे में लॉन्च हो जाएंगी उनके कुछ दिनों बाद आपको इन सिटीज़ में देखने को मिलेंगी। पर अभी डेट के बारे में मेरे पास कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, अगर कुछ आता है तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो रिवॉल्ट ने एक यूनिक प्राइसिंग सिस्टम निकाला है और जो सिस्टम ये निकाला गया है वो ये है कि उसमें कस्टमर एक ही साथ सारा पैसा देने के बजाय वो मतलब EMI पे आपको ये बाइक मिलेगी, उसमें आपको जो EMI देनी पड़ेगी वो 37 मंथ तक देनी पड़ेगी और उस EMI में आपकी कई सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी जिसमें आती है इंश्योरेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, सर्विस हो गया और मेंटेनेंस हो गया। मतलब इन बाइक्स की जो टोटल प्राइसिंग होगी वो आपको एक साथ ना देने की वजह आप उन्हें EMI पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको कितनी EMI देनी पड़ेगी। आपको 37 मंथ तक EMI देनी पड़ेगी। अगर आप RV300 लेते हैं तो आपको जो EMI देनी पड़ेगी पर मंथ वो है 2999 और उसके अलावा अगर आप RV400 लेते हैं तो आपको पर मंथ जो EMI पड़ेगी वो है 3499 और ये जो EMI होगी वो चलेगी 37 मंथ तक। तो दोस्तों ये कुछ लुक्स निकल के आए थे इन बाइक्स के बारे में, कुछ स्पेसिफिकेशन निकल के आई थी, यही कुछ लॉन्च डेट और प्राइस निकल के आई थी जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया। आई होप आपको ये बाइक पसंद आई होगी क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। हो सकता है मैं इस बाइक को लूँ जब ये इंडिया में आए। लॉन्च डेट के बारे में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती तो मैं आपको बता दूंगा या कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज होती है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन निकल के आती तो वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करके दिखाओ अपना सपोर्ट या प्लीज़ लाइक कर दिया करो। वीडियोस को बनाने में काफ़ी लगती है मेहनत, हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को, जितना हो सके मेरी मदद हो जाएगी। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे एक रेड कलर का बटन है प्लीज़ यहाँ से हिट करके जरूर जाना, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना ताकि आप हमारे ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी गेमिंग पिछले वीडियो सबसे पहले देख पाओ। आप लोग अगला वीडियो लेके बहुत जल्द आऊँगा, तब तक जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।